इसराइल अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है, वहीं मिडिल ईस्ट में उसके चारों तरफ ऐसा आग का चक्र तैयार हो गया है जिस पर कदम रखते इजरायली सेना के ऊपर बम और गोले बरस रहे हैं। जी हाँ, पहले तो इसराइल ने हिजबुल्ला की कमर तोड़ने के लिए पूरे लेबनान में पेजर डिवाइस, वॉकी टॉकी, लैपटॉप और सोलर पैनल में ब्लास्ट कराकर हिजबुल्ला को दो टूक कह दिया कि वो उत्तरी बॉर्डर से वापस लौट जाए। लेकिन हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला ने डंके की चोट पर कह दिया है कि वो उत्तरी बॉर्डर पर सेटलर्स को वापस नहीं आने देंगे। और यही वजह है कि अब उत्तरी बॉर्डर पर इजरायली सेना और हिजबुल्ला के लड़ाकों में भीषण जंग शुरू हो गई है। दरअसल हिजबुल्ला ने उत्तरी बॉर्डर पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं जिनमें 2 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है जबकि 9 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि हिजबुल्ला ने पश्चिमी गैलीली के या आरा इलाके में विस्फोटकों से लदा ड्रोन फायर किया जिसकी चपेट में IDF के जवान आ गए। इजरायली सेना का कहना है कि मारे गए सैनिक मेजर रिजर्विस्ट नैल फारसी, जिनकी उम्र 43 साल थी, वो 299 बटालियन के रीजनल ब्रिगेड के कमांडर थे। इनके अलावा 20 साल के टोमर केरेन, जो गोलानी ब्रिगेड की 51वीं बटालियन में तैनात थे, उनकी भी मौत हो गई। फारसी की मौत या आरा में ड्रोन हमले में हुई जबकि केरेन की मौत रामीम रिज इलाके में हिजबुल्ला की 2 एंटी टैंक मिसाइल के गिरने से हुई। इनके साथ 8 जवान भी घायल हुए। वहीं दूसरी तरफ इन हमलों के तुरंत बाद IDF के जेट्स ने दक्षिणी लेबनान को तहलाना शुरू कर दिया था। इजरायली सेना के मुताबिक उसने लेबनान पर 19 सितंबर 2024 की रात को गाजा युद्ध के बाद अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया। IDF का कहना है कि उसने हिजबुल्ला के रॉकेटों से लदे 100 से ज्यादा लॉन्चर्स को उड़ा दिया। IDF के मुताबिक हिजबुल्ला इन लॉन्चर से इजराइल पर हमला करने की तैयारी में था। IDF का ये भी कहना है कि उसने इस हमले में हिजबुल्ला की कई बिल्डिंगों और हथियार डिपो को मिट्टी में मिला दिया। IDF के मुताबिक हिजबुल्ला पर इस तरह के हमले आगे भी होते रहेंगे। और इस सब के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने हिजबुल्ला से सीधे युद्ध का इशारा दे दिया है। गैलेंट ने कहा कि वो हर हाल में उत्तरी बॉर्डर पर सेटलर्स को वापस उनके घरों में पहुंचा कर रहेंगे। אנו מקיימים בימים האחרונים סדרה של דיונים חשובים. זהו שלב חדש במלחמה, יש בו הזדמנויות, אך יש בו גם סיכונים כבדי משקל. חיזבאללה נמצא בתחושה של נרדפות, ורצף הפעולות הצבאיות והביטחוניות שלנו יימשך. היעד שלנו הוא להחזיר את תושבי הצפון אל בתיהם בביטחון. ככל שחולף הזמן, חיזבאללה ישלם מחיר הולך וגובר. במקביל, נמשיך ונקיים את המאמץ להשיב את החטופים אל בתיהם ולמוטט את ארגון החמאס. हालांकि ऐसा नहीं है कि इजराइल को ये बात पता नहीं है कि हिजबुल्ला से सीधे भिड़ना उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद अब IDF हिजबुल्ला से लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। और यही वजह है कि उत्तरी बॉर्डर के आसपास के सेटलमेंट्स में लोगों को बम शेल्टर में रहने के लिए कहा जा रहा है।